स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र यूपीपीएससी पूर्वावलोकन के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के पेज पर जाके वहां से बाकी के वीडियो देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है जिनसे संबंधित प्रश्नों को आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था 570 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। मक्का सऊदी अरब में स्थित है, यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो ये थे अरब के। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 से 637 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बंबई के निकट ठाणे पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल मुस्लिम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी तथा मुल्तान पर 713 ईस्वी में आक्रमण करके जीता। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था तो ये एक अरब था। ऑप्शन सी सही होगा। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था, वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा तथा दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो ये है अलप्तगीन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था जिसका विस्तार हिंद कुश पर्वत माला तक था। कथन कारण दिया गया है जिसमें कथन है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए क्योंकि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था बल्कि मात्र लूटपाट करना था। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ये है विद्याधर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम ना निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो यह है उतबी। ऑप्शन बी सही होगा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इससे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है, अतः यदि केवल शाहनामा के लेखक का प्रश्न है तो इसका उत्तर विकल्प बी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह उस समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो यह है अलबरनी। ऑप्शन सी सही होगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह
खीवा प्राचीन फारिज्म का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अलवरनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। अलवरनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद की रचना की थी। अलवरनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलवरनी के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर पहला ही गलत है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ये गलत है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, वह संस्कृत का विद्वान था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो होगा ए, अलवरनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, बाकी सभी सही हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी सही होगा। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो ये है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी सही होगा। मध्य एशिया के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175-76 ईस्वी में मुल्तान और कुछ पर आक्रमण किया, 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई, तथापि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही भारत में एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, यह है तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मूल राज द्वितीय ने, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावा के युद्ध में। यह हुआ था 1194 ईस्वी में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? तो ये है जयचंद। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसमें भी, सबसे पहले है महमूद गजनवी, इसके बाद मोहम्मद गोरी, इसके बाद आते हैं चंगेज खां, फिर तैमूर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। सन 999 से 1227 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और सन 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा था। सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो ये है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियाउद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया था। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए भाग निकला। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। कथन कारण है, जिसमें कथन है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ जिसके परिणाम स्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ।
भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनबी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संस बनी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त हुआ। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का प्रमुख कारण था। इस प्रकार कथा में कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है, आप देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न। पहला है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे, पृथक पृथक थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो ये थी लाहौर, ऑप्शन ए सही होगा। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। इसकी मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये है इल्तुतमिश, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। इल्तुतमिश, इनका समय था 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी के मध्य। इन्होंने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के नियमित रूप से चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका, ये 175 ग्रेन का था, और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो ये है दिल्ली। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी सही होगा। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया था, और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहादार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के, ऑप्शन बी सही होगा। मंगोल नेता चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खान के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की, और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया था। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो ये है इल्तुतमिश। चंगेज खान का पूरा नाम था तेमुचिन, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या फिर तेमुचिन था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये है रजिया सुल्तान, ऑप्शन ए सही होगा। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इनका समय था 1236 से 1240 ईस्वी के मध्य। रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का, ऑप्शन सी सही होगा। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो यह है बलबन, ऑप्शन बी सही है। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम,
सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। कथन कांड दिया गया है जिसमें कथन है, बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी क्योंकि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ए और आर दोनों सत्य है किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। इसने सम्राट के पद को दैवी घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा व पैवोस प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये है बलबन। ऑप्शन ए सही होगा। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न। पहला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया था। कथन कारण है जिसमें कथन है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे क्योंकि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। डॉक्टर के इस लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। यहाँ पर ए सत्य है और आर गलत है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें डी होगा। सबसे पहले जीतते हैं गुजरात, इसके बाद रणथंभौर, इसके बाद चित्तौर और इसके बाद वारंगल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी की प्रश्नगत विजयों का कालक्रम है, गुजरात को जीता था 1299 में, रणथंभौर पर विजय प्राप्त किया 1301 में, चित्तौड़ पर 1303 में और वारंगल पर 1310 ईस्वी में। यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला है, उसने क्रिस्त जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो यहाँ पर पहला सही है और तीसरा सही है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये दूसरा वाला गलत है। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उसके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। कथन कारण है जिसमें कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था क्योंकि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अलाउद्दीन ने दिल्ली में पहली बार बाजार मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। बरनी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार ना पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था। अतः कथन सही है और कारण गलत है।
निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य बाजार नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त किया था? ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार, एक बड़ी सेना के भरण पोषण, काला बाजारी को रोकने और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए थे। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया और जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और काला बाजारी बंद हो गई थी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो ये थी रावी। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया और रावी नदी मंगोलों और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु तो एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु तो एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाई तथा प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। इसके अतिरिक्त मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गई। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो यह मुबारक खिलजी। ऑप्शन सी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये है गाजी मलिक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का प्रमुख था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। अगला प्रश्न है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। ऑप्शन सी सही है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा कुतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को एक तिहाई किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन पहला सल्तनतकालीन शासक था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो यह है तुगलक वंश। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक है।
दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो ये हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी सही है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। इनका समय है 1325 से लेके 1351 ईस्वी के मध्य। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, तो ये ले गए थे दौलताबाद। ऑप्शन ए सही होगा। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक उर्दू का प्रचलन प्रारंभ किया था, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन डी सही होगा। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, उसमें जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा तांबा मिश्र धातु कांसा पीतल के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्कों के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था, हालांकि उसकी यह योजना असफल रही थी। कथन कारण है, जिसमें कथन है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बरनी मोहम्मद तुगलक की पांच प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। इसमें पहला है दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासन पर आक्रमण और कराचल की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना था। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। मूर देश का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए सही होगा। इब्ने बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो ये है इब्ने बतूता। ऑप्शन बी सही है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्ने बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रिहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तांगी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तांगी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तांगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी लिखा है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेगारी यानी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। हर्क ए सर्व अथवा सिंचाई कर
लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी सही है। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हर्क ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। सर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ये है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी सही है। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो यह है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सही है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों मेरठ उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले में से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो यह फिरोज तुगलक, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी सही है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे थे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के काल में 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा था धन प्राप्ति करना। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपर्युक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत दिए गए हैं तो यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं लोधी वंश से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो ये थे लोधी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो ये है सिकंदर लोधी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गस ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो ये है सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी सही है। सिकंदर लोधी ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया गया था? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसमें सही उत्तर बताना है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश, इसके बाद आते हैं खिलजी, इसके बाद आते हैं सैयद, इसके बाद आते हैं लोधी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320,
सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तथा लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। पहला है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, तो ये थी गंगा देवी। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंबल के नेतृत्व में। कंपन के नेतृत्व में कुमार कंपन अडियार ने मधुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे, तो ये आठ तेलुगु कवि थे। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के आठ महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते थे। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित संभव और मनुचरित हैं। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के पांच महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना किया था। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था, तो यह है तेलुगु का। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया था, नागलपुर। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही होगा। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में विजयनगर आया था। इनका समय था, इन्होंने शासन किया था देवराय द्वितीय ने 1422 ईस्वी से लेकर 46 ईस्वी के मध्य। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से होंगे नन्ने और टिक्कन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, तीसरा और चौथा सही है। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी ईस्वी में नन्ने ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में यर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवि यत्र के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के पांच पुत्रों ने, जिनमें हरिहर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी। निम्नांकित में से किसके राज्य रोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं, तो ये है कृष्णदेव राय। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम इनका शासनकाल था 1336 से 1356 ईस्वी एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम इनका शासनकाल था 1070 से 1120 ईस्वी के मध्य। ये चोल शासक राजेंद्र प्रथम के प्रपौत्र थे। प्रश्नानुसार वर्ष 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के 500 वर्ष पूरे हुए थे। यद्यपि हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी 5 वर्ष गुजर गए हैं। इस तरह इस प्रश्न में त्रुटि है और यहाँ पे अगर निकटतम उत्तर देखें तो वो होगा बी। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा
गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के मध्य, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तगड़ी नामक दो ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। इनका शासन काल है 1542 से 1570 ईस्वी के मध्य, किंतु वास्तविक शक्ति उस समय उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह है हम्पी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन से संबंधित प्रश्न। पहला है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये थे तुर्क। ऑप्शन ए सही होगा। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है। पहला, इसमें इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। इसमें पूछा है कि कौन सी विशिष्टता इक्ता व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पर आपको गलत ऑप्शन बताना है। पहला इसमें सही होगा, सियासत नामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। यहाँ पर डी सही है। जो गलत होगा वो होगा सी, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। तो यहाँ पर सी गलत है, बाकी सभी सही हैं। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक इक्तादार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया था? तो ये है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर गलत बताना है। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के समय बना। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद तुगलक के समय बनाया गया। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक के समय बनाया गया। दीवाने रियासत यहाँ पर गलत है, इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में प्रशासनिक विभागों को प्रारंभ करने वाले शासक का नाम दिया गया है। तो दीवाने मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी के समय इसकी शुरुआत किया गया और ये राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनाया गया, ये कृषि विभाग था। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक के समय बनाया गया, ये दान विभाग था। और दीवाने रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाया गया, ना कि बलबन के समय। इस प्रकार से आंसर यहाँ पर डी सही होगा और ये बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित है। दीवाने अमीर को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और सफल और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? कृषि से। निम्नलिखित में किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो ये है तुगलक।
ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सल्तनत काल में राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवान ए वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्ण काल था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत उसने पूर्व भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा निजामुल मुल्क जुनैदी को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया और न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा था। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। खरीदादार कौन था? तो ये फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो बताना है इसमें से सल्तनत काल में कौन सी दो मुद्राएं थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा जीतल और टंका। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पर डी सही होगा, दूसरा और चौथा सही है। सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं हैं जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये है इल्तुतमिश। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ये है अलाउद्दीन मसूद शाह। ऑप्शन डी सही है, अलाउद्दीन मसूद शाह। इनका शासन काल है 1242 से 1246 ईस्वी के मध्य। इनके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यहाँ 1242 से यह 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था जो 1226 से 1242 तक खलीफा रहे थे। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न। पहले यहाँ पर सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। एक तरफ भवन दिए गए हैं, एक तरफ उनके निर्माण करता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसका मिलान यहाँ पे आप स्वयं करिए, हम इसे नीचे देख लेते हैं। सुल्तान गढ़ी का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। लाल महल का बलबन ने। जमात खाना मस्जिद का खिज्र खान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र ने। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो ये हैं अलाउद्दीन खिलजी। बाकी यहाँ पर तीनों लोगों ने दिया था। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बारे में नीचे डिटेल से देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा पंच मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिलों को भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में चार मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था ये है बलबन का मकबरा। ऑप्शन बी सही है। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन का भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय फिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासन काल में राणा कुंभा के। ऑप्शन ए सही होगा। राणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर अपनी विजय की स्मृति में कराया था।
वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा गायक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अजमेर, तो यहाँ पर जो पहला है ये सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। जो पहला है यही गलत है इसमें। दिल्ली में स्थित है कुव्वल उल इस्लाम, कुव्वल उल इस्लाम न कि यहाँ पर अजमेर में, तो ऑप्शन ए गलत होगा। जौनपुर में है टाला मस्जिद, मालवा में है जहाज महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद स्थित है। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत साहित्य से संबंधित प्रश्न। पहला है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो इसके में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसे हम नीचे देख लेते हैं। अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इसका जन्म 1253 ईस्वी में 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान एटा जिले का भाग है ये, यहाँ पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है, इसका मतलब होता है हिंदुस्तान का तोता। नोट करके दिया है अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत अथवा 1253 ईस्वी हरिश्चंद्र वर्मा भाग एक के अनुसार है, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। प्रश्नगत विकल्पों में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबद्ध हो गया। अमीर खुसरो बलबन कैकोबाद जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी मुबारक शाह गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा? तो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं, अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही सात या अधिक सुल्तानों का शासन काल देखा था, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो यह है अमीर खुसरो, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। वह हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था ना लफ्ते हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। उसने खड़ी बोली हिंदी के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो यह अमीर खुसरो, ऑप्शन ए सही होगा। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारत के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया था। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? तो यह किया था अमीर खुसरो ने, ऑप्शन बी सही होगा। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। निम्नलिखित में से किससे भारत का सादी कहा गया है? तो यह है अमीर हसन, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अमीर हसन ए देहलवी को उसकी उच्च स्तरीय गजलों के कारण भारत का सादी कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो यह है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद तूतीनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी द्वारा किया गया था। नक्शबी एक फारसी चिकित्सक और सूफी संत थे। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो यह है असासुद्दीन खान, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खान अजीजुद्दीन खालिद ने किया। यह अनुवाद कार्य दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसमें डी होगा। इसके बारे में यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले आएगा किताब उल हिंद, इसके बाद पृथ्वीराज रासो, इसके बाद तबकात ए नासरी, इसके बाद फतवा ए जहादारी। इस प्रकार से आंसर यहाँ पर डी सही होगा। फतवा ए जहादारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदबरदाई थे, किताब उल हिंद की रचना अलबरनी ने की तथा तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया था, अतः इनका सही कालक्रम इस प्रकार होगा किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासरी और फतवा ए जहादारी। सूची दो का यहाँ पर सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। एक तरफ यहाँ पर लेखक दिए गए हैं, एक तरफ उनकी किताबें हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसमें, चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, जियाउद्दीन बरनी की जो रचना है ये होगा तारीखे फिरोज शाही, और यहाँ पर बी का होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है ताजुल मासीर, हसन निजामी का है ताजुल मासीर, मिनहाज उस सिराज का होगा यहाँ पर, मिनहाज उस सिराज का होगा यहाँ पर तबकात ए नासरी, और याहिया बिन अहमद की है यहाँ पर तारीख ए मुबारक शाही। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं, जियाउद्दीन बरनी ने फारसी में तारीख ए फिरोजशाही की रचना की थी, ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था, यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है, मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी की रचना की थी, तबकात ए अकबरी का लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद था। यहाँ पर सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं, ताजुल मासिर ये रचना है हसन निजामी की, खजाइन उल फतू है अमीर खुसरो की, तारीख है मुबारक शाही ये रचना है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की, और जियाउद्दीन बरनी की रचना है फतवा ए जहादारी। यहाँ पर भी मिलान करना है, इसमें भी ऑप्शन सी सही होगा। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं, आप मिलान स्वयं करिएगा। तारीख है हिंद है अलबरनी की, तारीख है दिल्ली है खुसरो की, रेहला पुस्तक है इब्न बतूता की, और तबकात ए नासरी है मिनहाज की। फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक लेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजजी ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पर एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं, एक तरफ विषय है, इसमें मिलान करना है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए, आप मिलान स्वयं करिए। हम नीचे देख लेते हैं, मीरात ए सिंगद सिकंदरी में गुजरात विजय का वर्णन है, बुरहान ए मासिर में बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है, रियाज उस सलातिन में बंगाल का इतिहास है, और रियाज उल इंसा में महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, तो यह है राणा कुंभा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था, राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। सूची एक का यहाँ पर सूची दो से मिलान करना है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं, मध्यकालीन कवियों तथा उनकी रचनाओं का सम्मेलन है, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, दामोदर कवि की है पद्मावती कथा, सोमनाथ की है राग विबोध, और अमीर खुसरो की रचना है आशिका। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये है हेमचंद्र सूरी। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। प्रश्नगत मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में हेमचंद्र सूरी जैन धर्म का अनुयायी था, वह जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, एक तरफ रचयिता है, बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं, राग माला के रचयिता हैं पुंडरीक विठल, रस कौमुदी के रचयिता श्रीकंठ हैं, राग विबोध के हैं सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका के हैं वेंकट रमन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो ये हैं फिरोज तुगलक। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण
फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विविध प्रश्न है। पहला, इसमें भारत में पोलो खेल प्रचलित किया था, तो यह प्रचलित किया था तुर्कों ने। ऑप्शन सी सही होगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर फिरोज तुगलक, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी सही होगा। ए का होगा 3, फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था, और बी का होगा 2, बलबन नवरोज त्योहार से संबंधित है, और यहाँ पर जहांगीर के समय में सर थॉमस रो आए थे, और अलाउद्दीन के समय दीवान ए रियासत की शुरुआत किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। फारसी त्योहार नवरोज को बलबन ने दिल्ली दरबार में प्रचलित किया था। अंग्रेज सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये हैं नसरुद्दीन खुसरो शाह। ऑप्शन सी सही होगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो शाह निजामुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ यात्री है, एक तरफ देश है। इब्न बतूता था मोरक्को का, मार्को पोलो था इटली का, नूनिस था पुर्तगाल का, यहाँ पर अब्दुल रजाक तुर्की का नहीं था। आंसर यहाँ पर जो गलत है ये होगा सी, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 51 ईस्वी के मध्य भारत आया था। मार्को पोलो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। वह पांड्य शासक मार वर्मन कुलशेखर के समय 1268 से 1310 ईस्वी के समय भारत आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय का समय है 1422 से 1446 ईस्वी के मध्य। नूनिस पुर्तगाल का यात्री और अश्व्यापारी था, इसने भी विजयनगर की यात्रा किया था। निम्न यात्रियों के पधारने का अनुक्रम क्या रहा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले आए अल्बर्नी, इसके बाद इब्न बतूता, इसके बाद ट्रेवर्नियर, इसके बाद मनुची आते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं, प्रश्नगत यात्रियों का क्रमानुसार विवरण है। सबसे पहले है इसमें अल्बर्नी सेवा प्राचीन ख्वारिश देश का निवासी था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय 11वीं शताब्दी ईस्वी में उसके साथ वह भारत आया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता, यह मोरक्को अफ्रीकी का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है ट्रेवर्नियर, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यह पेशे से जौहरी था। 1638 से 1663 ईस्वी के बीच इसने 6 बार भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में किया है। नेक्स्ट है मनुची, यह इतावली यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही इसने गृहनगर 14 वर्ष की अल्पायु में ही इसने अपने गृहनगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शहजादा दारा सिको की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। इस्टोरियो दो मोगोर नामक पुस्तक लिखी। इस्टोरियो दो मोगोर नामक पुस्तक लिखा मनुची ने, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ये है उलेमा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें सी सही होगा। इनका शासनकाल हम यहाँ नीचे देख लेते हैं। तो ये हैं, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं रजिया सुल्तान, इसके बाद आती है
अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद आते हैं शेर शाह और फिर अकबर आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। रजिया सुल्तान का शासन काल है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी का समय है 1292 से 1316 ईस्वी के मध्य। शेर शाह का समय है 1540 से 1545 ईस्वी के मध्य। और अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य। एक तरफ सूची एक में यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं, सूची दो में वर्ष दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसका मिलान आप यहाँ स्वयं करिए, हम इसे नीचे देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। और खागड़ा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर आपको इन घटनाओं का कालक्रम बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, इसके बाद अफगान षड्यंत्र हुआ, इसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया गया। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या 1325 ईस्वी का दोषी माना जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गए। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल है यह है 1325 से लेकर 1351 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट यहाँ पर सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, बताना है कौन सी लड़ाइयां कब लड़ी गई हैं। तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। इसके बाद आता है यहाँ पर कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। और तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए। इस युद्ध में मीर जाफर यार लतीफ तथा राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। कलिंग का युद्ध, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 50,000 बंदी बनाए गए। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध, ये हुआ था 1576 ईस्वी में। इसमें मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें गोरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें अकबर आइन ए दहसाला से संबंधित है। मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक बी का यहाँ पर होगा। प्रतीक मुद्रा इन्होंने जारी किया था, तो मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा से संबंधित है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश चहल गारी अमीर इनके समय में ये था। और शेर शाह ने सड़क ए आजम का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा सही वो होगा ऑप्शन बी। इसमें शेर शाह द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव बंगाल तक की जाती है, जो सबसे लंबी थी तथा सड़क ए आजम के नाम से जानी जाती थी। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी। आईने दहसाला पद्धति का संबंध अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से है। चहलगानी अमीर तुर्क ए चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो यह है मक्का की, ऑप्शन डी सही होगा। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं जौ चावल कपास और चना आदि की खेती करते थे, परंतु वे मक्के की खेती नहीं करते थे। भारत में मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे। यहाँ पर सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, इसमें सही ऑप्शन डी होगा। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं, आप मिलान स्वयं करिएगा। रणथंभौर बनवाया था हमीर देव ने। चित्तौड़ के राजा हैं राणा रतन सिंह। देवगिरी के राजा हैं राजा राय रामचंद्र। और गुजरात के हैं कर्णदेव। और यहाँ पर रणथंभौर के राजा हमीर देव हैं। तो ये आप मिलान यहाँ पर स्वयं करिएगा। अब देखते हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौहत्ता को समाप्त किया। तो ये है जैनुल आबेदीन, ऑप्शन डी सही होगा। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मोहम्मद बादशाह
अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया था। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गो हत्या को भी निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया, तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सही होगा। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरी भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 ईस्वी में जौनपुर में मलिक सरवर ने स्वतंत्र सर की राज की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्ग पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? तो यह है जौनपुर, ऑप्शन सी सही होगा। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली जिसे सरकी शैली कहते हैं का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई और उसमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत पूर्व का सिराज नाम से विख्यात हो गया। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यह हुसैन शाह, ऑप्शन बी सही है। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोधी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत बताना है। इस तरफ शासक है, इस तरफ राज दिए गए हैं। राणा हमीर ये मेवाड़ के शासक हैं। राणा चुंडा मारवाड़ के हैं। मलिक राजा फारकी खान देव के हैं। मलिक सरवर फाजा जहां ये मालवा के नहीं है, जो गलत है यहाँ पर वो डी होगा। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से 1479 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई। अन्य सभी सुमेलित हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 ईस्वी में, ऑप्शन यहां पर सी सही होगा। दक्कन के अमीर ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा था। दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो यह है हसन गंगू। सूची एक का यहाँ पर सूची दो से मिलान करना है, बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, आदिल शाही जौनपुर से। आदिल शाही यहाँ पर बीजापुर से संबंधित है, तो ये मैं करेक्ट कर दे रही हूँ इसे। आदिल शाही बीजापुर के शासक रहे हैं। कुतुब शाही बी का होगा यहाँ पर, तीसरा गोलकुंडा। निजाम शाही संबंधित है यहाँ पर अहमदनगर से। और सरकी शाही ये जौनपुर में थे, तो यहाँ पर ऑप्शन जो मिलान सही होगा वो होगा इसमें डी सही होगा। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। सरकी शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? तो ये है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन ए सही होगा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का शासक था। इसने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर आपको बताना है, बास बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा से संबंधित है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर से संबंधित नहीं। यहाँ पर जो डी है ये गलत होगा। उपर्युक्त युग्मों में से विकल्प डी युग्म सुमेलित नहीं है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, ना कि अहमदनगर का, जबकि बास बहादुर मालवा का कुतुब शाह गोलकुंडा एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? यहाँ पर सही बताना है, तो यहाँ पर बी और डी दोनों सुमेलित हैं। होयसल द्वय समुद्रम और पांडे मदुरा से संबंधित है, तो यहाँ पर बी और डी दोनों सही हैं। होयसल वंश की राजधानी द्वय समुद्रम थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी
कोरकोई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन बी और डी दोनों सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी के शासक हैं शंकर देव, होयसल के हैं वीर बल्लाल, मदुरा के हैं वीर पांड्या। यहाँ पर जो गलत है ये होगा बी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकती वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। से सभी अन्य विकल्प सुमेलित हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है हलेबिड। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबिड है, जो कर्नाटक के हसन जिले में है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। हलेबिड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी का है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये है होयसल। एक तरफ राजवंश दिए गए हैं, एक तरफ राजधानी है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। पल्लव की राजधानी है कांची, पांड्य की है मदुरा, यादव की देवगिरी और वारंगल की राजधानी काकती की राजधानी वारंगल रही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लाल दरवाजा मंदिर जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा गौड़ में, तीन दरवाजा अहमदाबाद में। जो पहला है यहाँ पर ये गलत है। पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है, जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित किया गया था। बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। एक तरफ स्मारक है, एक तरफ उनके निर्माता दिए गए हैं। इनका मिलान करना है, इसमें सही ऑप्शन भी होगा। इसे हम नीचे देख लेते हैं। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया। छोटा सोना मस्जिद का वली मोहम्मद ने, कदम रसूल का नुसरत शाह ने, अदीना मस्जिद पांडुआ का सिकंदर शाह ने। भारत के पोलीगर कौन थे? तो ये थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। पोलीगर एक सामंतवादी उपाधि थी, जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। एक तरफ यहाँ पर अधिकारी दिए गए हैं, एक तरफ उनका कार्य है। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सालार अधिकारी का कार्य था रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी हैं। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी हैं। साहसाधिपति ये चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी हैं और बलाधिप ये चुंगी के सुरक्षक हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलवर संतों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ तथा वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन को प्रारंभिक रूप से दक्षिण के वैष्णव आलवर संतों और सैव नयनार संतों ने प्रसारित किया। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। प्रख्यात वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाए। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। अगला प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो यह किया था वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन बी सही है। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विश्व स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी अरेल प्रयाग तथा वृंदावन में व्यतीत हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जिसमें सही होगा द्वैतवाद, माधवाचार्य है इसके। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। उक्त विकल्पों में सी सुमेलित है, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। वही अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद पुष्ट मार्ग के पल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बारकाचार्य थे। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है ए का होगा 2, वल्लभाचार्य का है पुष्टि मार्ग, बी का होगा 3, विशिष्टा रामानुज का है विशिष्टा द्वैतवाद, और माधवाचार्य का होगा द्वैतवाद और शंकर का होगा अद्वैतवाद। तो ये आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ दार्शनिक दिए गए हैं, एक तरफ दर्शन दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन
भी सही होगा, इसे हम नीचे देख लेते हैं। रामानुज का दर्शन है विशिष्टाद्वैत, माध्वाचार्य का है द्वैत, निम्बार्क का है द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो ये है शंकर देव, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। असम राज्य में स्थित कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था, वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? शंकर देव ने, ऑप्शन सी सही होगा। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकर देव ने किया था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई आदि ने संभाली थी। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो यह रामानंद, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। रैदास का जन्म वाराणसी में, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट राजपुर में तथा कुंभन दास का जन्म ब्रजभूमि मथुरा के आसपास हुआ था। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम यहाँ पे बताना है आपको, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसका जो टाइम पीरियड है ये हम नीचे देखते हैं। कबीर का समय है 1398 से 1518 ईस्वी के मध्य। गुरु नानक का है 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य। चैतन्य का है 1486 से 1534 और मीराबाई का समय है 1498 से 1557 ईस्वी के मध्य। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन है रामानंद का, ऑप्शन बी सही होगा। उपर्युक्त कथन संत रामानंद जी का है, जिनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। निम्नलिखित संतों को उनके काल क्रमानुसार विभाजित नियोजित करिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले आते हैं नामदेव, इसके बाद आते हैं कबीर, इसके बाद आते हैं नानक, इसके बाद आती हैं मीराबाई, ऑप्शन सी सही होगा। कबीर दास का समय 1398 से 1518 ईस्वी, नामदेव का काल 1270 से 1350 ईस्वी, मीराबाई का समय 1498 से 1557 एवं गुरु नानक देव का समय 1469 से 1569 ईस्वी के मध्य है। कबीर शिष्य थे तो ये थे रामानंद के, ऑप्शन बी सही है। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल, ऑप्शन बी सही होगा। शबद साखी एवं रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। मीराबाई समकालीन थी, तो यहाँ पर इसके बारे में नीचे देखते हैं, तो इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदली नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी, गुरु नानक 1469 से 1539 एवं चैतन्य 1486 से 1534 ईस्वी के समकालीन थी, जबकि रामकृष्ण परमहंस इनके समकालीन नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस का समय 1836 से 1886 ईस्वी के मध्य, तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं होगा। निम्न में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? तो यह नामदेव, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चैतन्य मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो ये है वैष्णव, ऑप्शन ए सही होगा। चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा
उन्हीं की भक्ति का प्रसार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदियां आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया तथा वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये थे अकबर तथा जहांगीर के। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। यद्यपि तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां बादशाह रहे थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बनारस में ही बिताया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नामोल्लेख किया है। मूलक दास एक संत कवि थे कड़ा के। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मूलक दास कड़ा के संत कवि थे। संत मूलक दास का जन्म सुंदर दास खत्री के घर 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा वर्तमान कौसाम्बी जिले में हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्रुव दास भगत नामावली, नाभा दास भक्तमाल, उस्मान की है चित्रावली जो यहाँ पर गलत है वो होगा सी। रसक प्रिया आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। केशव दास की अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया है। अन्य सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्करी संप्रदाय का था? तो यह नामदेव। ऑप्शन सी सही होगा। वर्करी संप्रदाय की विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही। विसोबा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया। कथन कारण है जिसमें कथन है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया क्योंकि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। यहाँ पर कथन ए तथा आर दोनों सत्य है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शास्त्रों के रुचि के कारण संभव हुआ था। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया। फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। अतः स्पष्ट है कि कथन सही है। समा संगीत गोष्ठी होती थी। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम मानते थे। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य है। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था? तो ये किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ऑप्शन बी सही है। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा हुआ था। वे ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती के शिष्य थे। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके मुख्य शिष्य थे। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? तो ये हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ये है फरीदुद्दीन गंज ए शकर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये बलवन के दामाद थे। उन्होंने हांसी और जसोधन को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन सी सही होगा। बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें घियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है।
जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि यहाँ पर जो गलत है ये होगा डी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और हसन अहमद देहलवी प्रमुख थे, अन्य सभी सही हैं। कौन सूफी संत महमूद ए इलाही कहलाता था, तो ये है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चिश्ती सिलसिले के सूफी संत शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्ताधीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा भी कहा जाता है। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है इनकी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। यहाँ पर जो गलत है ये होगा डी, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले गए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है, बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। निम्न में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है, तो यह है नसरुद्दीन, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। शेख नसरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे, यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग से के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई, तो यह है शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी सही होगा। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था, ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहां उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, इसमें सही ऑप्शन सी होगा। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया से संबंधित हैं, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से, दारा सिकोह कादिरिया से और शेख साहबुद्दीन सुहरा वर्दिया संप्रदाय से संबंधित हैं। हठ योग के संदर्भ में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, हठ योग क्रिया को सूफी संतियों ने भी अपनाया था। यहाँ पर सी सही होगा, एक और दो दोनों सही हैं। भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था। सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे, तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, दो और तीन दोनों सही हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, जबकि रहीम और रस्तान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रस्तान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था, तो यह नक्शबंदिया, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। नक्शबंदिया सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। इस सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे, जो मुजहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी विख्यात हैं। उन्होंने वजहत उल सुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, तो यह है शाह मोहम्मद गौस, ऑप्शन ए सही होगा। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। सत्तारी संतों ने हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, तो यह है उलेमा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी संगीत समारोह का नाम है।
सिख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेरा लगता है ये स्थित है देवा शरीफ बाराबंकी में। ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इस दिन। ऑप्शन यहां पर सी सही होगा। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार फ्राइडे के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था। अब देखते हैं मुगल वंश के अंतर्गत बाबर से संबंधित प्रश्न। पहला है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुता थे तो ये चगताई तुर्क थे। ऑप्शन सी सही है। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल युद्ध में पराजित किया था तो यह है सैबानी खां। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। सैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। अफगानिस्तान पर आधिक्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था तो यह है दौलत खान। ऑप्शन सी सही होगा। अफगानिस्तान पर आधिक्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खान लोधी को यह भ्रम था कि अन्य लुटेरे शासकों की तरह बाबर भी हिंदुस्तान को लूट कर वापस लौट जाएगा जिससे इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर हो जाएगी और वह इसका लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण किया था काबुल में। ऑप्शन बी सही है। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासक उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं काबुल में ही 1506 एवं 1507 ईस्वी में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोधी की सेना व्याख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोधी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या था? कुशल सेना नायक। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था तो यह है पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। प्रश्नगत विकल्पों में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया। यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को संपन्न हुई। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। परंतु बाबर ने 1519 ईस्वी में बसोर पाकिस्तान की लड़ाई में और तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, खानमा का युद्ध 1527 में, घाकरा का युद्ध 1529 में, चंदेरी का युद्ध। यहाँ पर जो गलत है ये होगा डी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के बीच, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदरी राय के बीच हुआ था। बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था तो यह खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी सही होगा। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गांसी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद को जिहाद घोषित किया था।
राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो यह खानवा का युद्ध, मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में बाबर मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह थे राणा सांगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो यह है मेवाड़। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से देहली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था मीर बाकी ने। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। हुमायूं और शेरशाह से संबंधित प्रश्न है। पहला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत बताना है। इल्तुतमिश ये रजिया के पिता हैं, गुल मदन बेगम बाबर की पुत्री हैं, हमीदा बानू बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं है, शाह तुर्कन ये इल्तुतमिश की पत्नी है। तो यहाँ पर हमीदा बानू बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी, बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का भी नहीं था। कमरान, अस्करी, हिंदाल था, उस्मान नहीं था। आंसर हमारा बी होगा। कामरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ माहम बेगम सिया संप्रदाय से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो यह है शेर शाह एवं हुमायूं। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा और फारस में शरण लेनी पड़ी थी। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो यह है शेर शाह। ऑप्शन डी सही होगा। शेर शाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले होता है इसमें दौराह का युद्ध, इसके बाद होता है चौसा का युद्ध, इसके बाद कन्नौज का युद्ध, इसके बाद होता है सामूगढ़ का युद्ध। इस प्रकार से ऑप्शन इसमें भी सही होगा। दौराह का युद्ध हुआ था 1531-32 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंभा किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़ से। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा मारवाड़ से संबंधित है। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के सर्व पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपने साम्राज्य को खो दिया होता। एकमात्र मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो ये कहा था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह को दफनाया गया था सासाराम में। ऑप्शन बी सही है। भारत में शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हो गई। इसे बिहार के सासाराम रोहतास में दफनाया गया। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो यह है कालिंजर, दिल्ली। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो यह है शेर शाह सूरी। ऑप्शन ए सही होगा। दिल्ली के पुराना किला के भवनों के साथ यहाँ के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासन काल में 1540 से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आतंकित किला है। यहाँ किला ए, पुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए थे। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किहना ए, किला ए पुहना का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने। ऑप्शन बी सही होगा। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवन किला ए पुहना मस्जिद शेर मंडल आदि का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था।
शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, और दूसरा है हालांकि एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो यहाँ पर केवल पहला सही है, दूसरा गलत होगा। ऑप्शन इसमें ए सही है, शेर शाह सूरी, इनका समय है 1540 से 1545 ईस्वी के मध्य। शेर शाह सूरी मध्ययुगीन भारत के शासकों में से एक महत्वपूर्ण स्थान है इसका। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था। प्रशासन के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए सुधारों के कारण उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। अतः कथन एक सत्य है, एक शासक के रूप में शेर शाह के गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे। युद्ध के मैदान पर यदि उसे कुछ युद्धों में सफलता प्राप्त हुई तो कुछ युद्धों में असफलता का भी सामना करना पड़ा। उदाहरण हेतु हुमायूं ने दौराह देवरा नामक स्थान पर अफगानों को पराजित किया और जिसमें शेर शाह भी शामिल था। इसी तरह शेर शाह द्वारा मरवाड़ पर विजय विश्वासघात का प्रतिफल था, जबकि प्रशासक के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण हेतु उसके द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के तहत राजकोष में वृद्धि हुई। सैन्य सुधार के तहत उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में स्थापित घोड़ों को दागने की प्रथा को कड़ाई से लागू किया। इसने पुराने खिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन का तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन का चलाया। इसी प्रकार शेर शाह की न्याय व्यवस्था भी मध्ययुगीन भारत में अप्रतिम स्थान रखती है। इस प्रकार से जो कथन दो यहाँ पर दिया गया है ये गलत होगा, पहला सही होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यह शेर शाह, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिसमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या थी? तो यह 64:1, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन का चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। अब देखते हैं अकबर से संबंधित प्रश्न। पहला है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था कछवाहो, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांकानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारीमल भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, लोक प्रचलित नाम जोधाबाई, का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यहाँ पे बताना है इसमें से काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। सबसे पहले आएगा मालवा पर मुगल आक्रमण, इसके बाद आम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, इसके बाद उड़ीसा पर कर रानी की विजय, इसके बाद तुकारोई का युद्ध। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ था 1562 ईस्वी में। तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 ईस्वी में। मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था 1561 ईस्वी में। और उड़ीसा पर कर रानी की विजय हुई थी 1568 ईस्वी में। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाता था? तो ये है मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अकबर ने सूफी संत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। यह वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन देने हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सीकरी भी जाया करता था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो यह है अधम खां को, ऑप्शन ए सही है। माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यह है हकीम सूर, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक
महाराणा प्रताप और मुगल सेना मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों के एक टुकड़ी के साथ हकीम खानसूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। उसे आगे उसने छापा मार युद्ध का सहारा लिया था। राजपूताना में निम्न राजाओं में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो यह है मेवाड़। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, तो इसकी लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। यहाँ पर चारों सही है। इस प्रकार से आंसर हमारा यहाँ पर डी होगा। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर के लोकप्रियता के कारणों में प्रश्न का चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो यह है अकबर। ऑप्शन सी सही होगा। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर भी रोक लगा दी। निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए कम से कम 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की थी। उसने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। अतः दोनों ही कथन सही है। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी प्रथा पर। ऑप्शन ए सही होगा। साम्राज्य के विस्तार एवं शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक है। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़े को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया जिससे सेनापति अपने घोड़े ना बदल सके अथवा एक घोड़े को दो बार ना प्रस्तुत कर सके। इसके पश्चात 1574-75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी के आधार पर अपनी सैन्य व्यवस्था को संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से है जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो यह है मुजफ्फर खान तुर्बती। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। दीवान शब्द फारसी भाषा का शब्द है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा
शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। मुजफ्फर खान सरकारी सोपानवे दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व में। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन मालगुजारी व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल वित्त मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इसी प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल कर उस औसत का एक तिहाई हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। टोडरमल संबंधित थे माल गुजारी सुधारों से। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतर की कड़ी थी? तो ये है टोडरमल। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। इतिहासकार इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल को भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है। अकबर के द्वारा ही आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे। ख्वाजा शाह मंसूर से भी इसमें मदद मिली थी। अतएव भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निरंतर की कड़ी टोडरमल ही थे। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे बताना है कौन सी घटनाएं कब हुई हैं। तो सबसे पहले जजिया की समाप्ति की गई, इसके बाद इबादत खाने का निर्माण हुआ, फिर मजहर पर हस्ताक्षर हुए और इसके बाद दीन-ए-इलाही की स्थापना की गई। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर पहला होगा 1, 2, 3, 4 सही है। अकबर ने जजिया की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहर नामा की घोषणा की। यह मजहर नामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही दैवी एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो ये हैं, यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं। आंसर यहाँ पर डी होगा। अकबर द्वारा प्रवर्तित तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक प्रकार से सूफी मत था जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो यहाँ पर राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपर्युक्त सभी पर आधारित थी। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल नीति की नीति अपनाई। 1852 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया। अकबर की सुलह ए कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो यह है अकबर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्म गुरु काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। कथन कांड दिया गया है, जिसमें कथन है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, क्योंकि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568-69 ईस्वी में आरंभ करवाया था तथा बाद में गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय
1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया है। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो यह है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि प्रमुख है। इसमें पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था जिसका नक्शा बौद्ध विहारों से प्रेरित है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो यह है दिल्ली का लाल किला। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। यह चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित हुआ था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह है अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अकबर ने अपने राज कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रस्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नकीफ खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। रस्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह है महाभारत। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो यह है मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? तो ये हैं हरिविजय सूरी। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। हरिविजय सूरी ही वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1582 ईस्वी में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया था। इनकी विद्वता एवं चिंतन तथा विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया एवं पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? तो ये है अकबर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ध्यातव्य हो कि दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर का शासन था। अकबर का शासनकाल का समय है 1556 से 1605 ईस्वी। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से लेकर 1603 ईस्वी था। अब देखते हैं जहांगीर से संबंधित प्रश्न। पहला है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी जहांगीर के समय? ऑप्शन यहां पर भी सही होगा। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलेबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? हॉकिंस को। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। विलियम हॉकिंस ये भारत आए थे 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी के मध्य। ये जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले प्रथम अंग्रेज राजदूत थे तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले पहले अंग्रेज थे। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को। अगला प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह 1611 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है।
पहला गलत है, इस प्रकार से आंसर इसमें डी सही होगा। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया पहला भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इस प्रकार स्पष्ट है कि हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया था तथा वह जेम्स प्रथम का दूत नहीं था। अतः कथन एक गलत है। उसे तुर्की भाषा का ज्ञान था, वह तुर्की बहुत अच्छा बोलता था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासन काल में जहांगीर के। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया राजदूत था, वो जो जहांगीर के दरबार में आया था। निम्न में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो यह है थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। थॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया है वो था फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। उसने अपनी पुस्तक रेमोन्स्ट्रेटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो यह है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो यहाँ पर बी और डी दोनों होगा, जहांगीर और बाबर। इसके बारे में नीचे देखते हैं। मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा लाहौर में स्थित हैं। ये क्रमशः अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल वास्तवों में से किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी है? तो यह जहांगीर। ऑप्शन सी सही होगा। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक ए जहांगीरी रखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी थी। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत, अगला प्रश्न है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो ये किया था जहांगीर ने। ऑप्शन बी सही है। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए जिसमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये है, यहाँ पर ऑप्शन होगा दूसरा खुर्रम, महावत खां और खुसरो। इस प्रकार से ऑप्शन इसमें डी सही होगा। 2, 3 और 4। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विरोध किया था जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। निम्न में से कौन नूर जहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो इसमें जहांगीर नहीं थे, इसमें थे कौन? तो ये थे आसफ खां, गियास बेग और खुर्रम। यहाँ इसमें जहांगीर नहीं थे, आंसर हमारा ए होगा। जहांगीर से विवाह के बाद नूर जहां ने नूर जहां गुट, जुंता गुट भी कहते हैं, इसका निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे इत्मादु दौला या मिर्जा गियास बेग, ये नूर जहां के पिता थे। असमत बेगम, ये नूर जहां की माँ थी। आसफ खां नूर जहां का भाई था एवं शहजादा खुर्रम ये बाद में शाहजहां बने। अतः स्पष्ट है कि जहांगीर इस गुट का सदस्य नहीं था। अब देखते हैं शाहजहां से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो यह है शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो यह शाहजहां। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1636-37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई, किंतु मनुची बताता है कि बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा
शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ये है मीर जुमला, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने उपहार स्वरूप प्रदान किया था। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यह है कविंद्राचार्य, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधी का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो यह कलीम, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम अबू जली को राजकवि नियुक्त किया था। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो यह है शाहजहां, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को मुगल शासक शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। उन्होंने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? तो यह है शाहजहां, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो यह शाहजहां, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माणकर्ता थे। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके तीन प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य दो प्रवेश द्वारों उत्तरी तथा दक्षिणी से सामान्य प्रजा आया करती थी। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मस्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो यह है दारा सिकोह। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के लेखक हैं दारा सिकोह। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो यह है दारा सिकोह, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्नगत विकल्पों में हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा सिकोह था। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा सिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। उसने योग वशिष्ठ भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद कराया था। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? दिल्ली में, ऑप्शन ए सही है। उत्तराधिकार युद्ध में पराजय के बाद 1659 ईस्वी में दारा का कत्ल कर दिया गया। उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे दिल्ली में दफना दिया गया, किंतु इतिहास की अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर दिल्ली मानना अधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो ये है औरंगजेब, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब के पहले 1636 से 44 ईस्वी तक दक्कन का गवर्नर रहा था तथा 1652 ईस्वी में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर वह
उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। अब देखते हैं औरंगजेब से संबंधित प्रश्न। पहला है इसमें कथन कारण, जिसमें कथन है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा और आर गलत है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी सही है जिसमें ए सत्य है लेकिन आर गलत है। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी, तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था, उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं सुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। कथन सत्य है किंतु कारण गलत है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का दो बार राज्याभिषेक हुआ? तो ये है औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक दो बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ। उसका दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1658 ईस्वी को हुआ तथा अब्दुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले हुआ था इसमें बनारस के पास सुजा की पराजय, इसके बाद धर्मत में विजय, इसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई और फिर देवराई की लड़ाई। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। औरंगजेब संबंधी घटनाओं का क्रम है बनारस के पास सुजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 में, धर्मत में विजय हुई 15 अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई हुई 29 मई 1658 में और देवराई की लड़ाई हुई थी 1659 ईस्वी में। निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ए। सबसे पहले हुआ था बिलग्राम का युद्ध, इसके बाद सरनाल का युद्ध, इसके बाद हुआ धर्मत का युद्ध और इसके बाद सजाऊ का युद्ध। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 1572 ईस्वी में सरनाल गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारासिकों की सेना को पराजित किया था। जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। इस प्रकार सही उत्तर ए होगा। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो ये है अकबर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1661 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचने में सफलता पाई। 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हो गई। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये है जय सिंह। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी के दमन करने के लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक था जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण था। वह चतुर कूटनीतिज्ञ था तथा उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो ये है औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। औरंगजेब जो दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरबेश
समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। 1652 ईस्वी में औरंगजेब 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। वास्तव बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर को 1686 ईस्वी में एवं गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में इस पर अधिपत्य स्थापित किया था। औरंगजेब अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब किया था? तो यह किया था 1686 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो ये थे अबुल हसन कुतुब शाह। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये है औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 13 उसके काल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहां के काल में 22.4% था। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब के। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर समाप्त कर दिया था किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो ये है मेहरुन्निसा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थी। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थी जेबुन्निसा, जीन तुन्निसा, बदुरुन्निसा एवं जुबद तुन्निसा। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किसको साहिबाद उस जमानी की उपाधि प्रदान किया था? तो ये किया था जहां आरा को। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन जहां आरा को साहिबाद उस जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। संत रामदास अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। यह मुगल शासक जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर औरंगजेब होगा। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये है राबिया उद दौरानी का मकबरा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के मध्य कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? तो ये किया था औरंगजेब ने। ऑप्शन डी सही है। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था जबकि शाहजहां ने किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित प्रश्न। पहला है, मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? सरकार। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारों जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः
फरहाना या महल में विभाजित किया गया था। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को मिलाकर एक नई इकाई चकला का संगठन किया गया था। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो ये थे मीर बख्शी। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़े को दागने और सिपाहियों का मुआवजा करने के साथ भू राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण का काम भी उसी के जिम्मे था। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था तो सैन्य विभाग का प्रमुख एवं भू राजस्व अधिकारियों का सर्वेक्षण करना था। अगला प्रश्न है, एक तरफ यहाँ पर सूची एक में वास्ता दिए गए हैं, सूची दो में दीवान है, इनका यहाँ पर मिलान करना है। इसमें सही ऑप्शन होगा डी। ये हम नीचे देख लेते हैं, आप यहाँ मिलान स्वयं कर लीजिए। अकबर के दीवान थे मुजफ्फर खान, जहांगीर के थे गियास बेग इत्माद दौला, शाहजहां के दीवान थे सादुल्ला खान और औरंगजेब के थे असद खान। नीचे कथन और कारण दिया गया है, अब हम देखते हैं इसमें कथन। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर थी। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इस प्रकार से ऑप्शन इसमें ए सही होगा। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य स्थायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी, जिसे मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये है मनुजी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निकोलो मनुजी को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतावली यात्री था, इसने भारत आकर दारा सिखों की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी। बाद में इसने मुगल सेना में चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? यहाँ पे आपको गलत बताना है। इसमें 33 वर्ग थे, उन्हें मसरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था, समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो यहाँ पर गलत होगा, वो होगा सी। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे, उन्हें मसरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था में सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था तथा सभी कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको सही उत्तर देना है। इनमें से बताना है कि इन चार में से कौन सा सही है। पहला है, इसमें जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, बाकी 2 गलत हैं। तो आंसर यहाँ पर हमारा डी होगा। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। मनसबदारों की 3 श्रेणियां या वर्ग थे, जिनमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। श्रेणी तृतीय में वे मनसबदार होते थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे, इन्हें वेतन नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। इस प्रकार सही उत्तर यहाँ पर आंसर इसमें डी होगा। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो यहाँ पर केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन इसमें ए सही होगा। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में उसके शासन के 11वें वर्ष 1567 ईस्वी से मानी जाती है, जिसमें जात और सवार पद का विभाजन उसके अपने शासन काल के 40वें वर्ष में किया गया था। मनसब मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था, अतः यह व्यवस्था
राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। मनसबदारों की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम वास्ता निर्धारित करता था तथा केवल सेवा काल तक ही यह पद रहता था, अर्थात यह वंशानुगत यानी पैतृक पद नहीं था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या होता था? तो ये था भू राजस्व। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। हुमायूं ने अपने समय में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। शेरशाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया। इसके शासन काल में सामान्यता उपज का एक तिहाई भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़कर 50% तक हो गया। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो ये है हल की संख्या। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्था पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल हल की संख्या के आधार पर राज्यों को भू राजस्व का भुगतान करते थे। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो ये है जहांगीर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा था। एक तरफ यहाँ अधिकारी दिए गए हैं, एक तरफ विहित कर्तव्य हैं, तो ये देख लेते हैं। इसमें सही ऑप्शन होगा बी। आप फिलहाल स्वयं करिए, हम इसे नीचे देख लेते हैं। दीवान ए तन ये जागीर व वेतन को देखते हैं। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने वाले थे। मुसरिक कार्यालय को संभालने के लिए थे और वकिया नवीस ये प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो यह है बाबर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। कथन कारण है जिसमें कथन है अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, क्योंकि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से ऑप्शन इसमें ए सही होगा। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मुहरों चांदी के रुपया और तांबे के दाम के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का प्रमुख सिक्का दाम था तथा एक रुपया में 40 दाम होते थे। राज्य के आय व्यय की गणना दाम में ही की जाती थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प भी दिया गया था जो कि उचित नहीं है। इसका उत्तर ए होना चाहिए। बाकी ये प्रश्न आप यहाँ पर स्वयं भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सीव देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे? तो ये है अकबर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सीव देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो ये है सहाब नहर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। मुगल कालीन सहाब या फिर सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा शहर की खुदाई और मरम्मत करके उसे
चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई, इसका नाम बदलकर सिहाब नहर कर दिया गया। अब देखते हैं मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में। पहला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये युद्ध दृश्य होते थे, दरबारी चित्रण था, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य थे। इसमें यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ये सभी सही हैं। मुगल चित्रों में उपर्युक्त सभी विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने में दक्ष थे। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो चित्रकला को। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवरों के चित्र बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इसमें बी, अबुल हसन एवं अंकार रिजा। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, दूसरा और तीसरा सही है। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अंकार रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुस समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उस जमा की पदवी दी थी? तो ये हैं अबुल हसन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्र, उस्ताद मंसूर को तथा नादिर उस जमा अबुल हसन को की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई? मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो ये थे मंसूर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शित करते थे? तो ये है चित्रकला। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी को सामान्यतः पहाड़ी चित्रकारी कहते हैं। इसमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र आते हैं। तानसेन, बैजू बाबरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? 5। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वामी हरदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की और उन्हें घेय रूप दिया। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बाबरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, तो यहाँ पर सम्मिलित थे इसमें तानसेन और हरिदास। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, 1 और 2 सही है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इनका मूल नाम राम तनु पांडे था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा,
भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। निम्नलिखित कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे? तो यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर थे, सदारंग अदारंग थे, तानसेन थे, माल गुजरी नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। राजा मानसिंह तोमर, तानसेन एवं सदारंग अदारंग हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, जबकि माल गुजरी संगीत के रागों में एक राग है जिसका सृजन राजा मानसिंह तोमर ने किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो ये है अकबर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था, इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो ये है बीड़ा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। अब देखते हैं मुगल कालीन साहित्य से संबंधित प्रश्न। पहला है, बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था लेडिन और रस्किन ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तुजु के बाबरी अथवा बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा। पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडिन और विलियम रस्किन ने किया। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये बाबर की थी। ऑप्शन ए सही होगा। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। इनका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुआ। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो ये है गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने। दिल्ली की वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम कहा जाता था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। निम्नलिखित में से किसे हितोपदेश का फारसी निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये है ताजुल माली। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुफरिह अल कुबाल नाम से किया गया था। ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? इसमें पहला ही सही है, बाबर का है तुजुक ए बाबरी। बाकी हम यहाँ पर नीचे देखते हैं प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प ए का युग्म सही सुमेलित है। तुजुक ए बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है जो तुर्की भाषा एवं मुबैयान शैली में लिखी गई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने और तारीख शेर शाही अब्बास खां सरवानी ने लिखा है, जबकि तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की है जो फारसी भाषा में लिपिबद्ध है। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो यह है पंचतंत्र का। ऑप्शन ए सही होगा। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया है। गजनवी काल में नसरुल्ला मुंशी सीरा जी ने कलीला व दिमनाह बेहराम शाही के नाम से, सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइस हुसैन कासफीह ने अनवर ए सुहेली के नाम से एवं अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश के नाम से किया था। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। ऑप्शन ए सही होगा। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 1596 ईस्वी के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने की अवधि 7 वर्ष से भी
अधिक बताई गई है, यानी कि 12-13 वर्ष। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। मुगल काल में दरबारी भाषा थी तो ये थी फारसी। ऑप्शन सी सही होगा। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं, एक तरफ लेखक है, बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तबकात ए नासरी के लेखक है मिन्हाज उस सिराज जज़दानी। तारीख है फिरोज शाही के लेखक है शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलक नामा का यहाँ पे गलत दिया गया है, हुमायूं नामा के लेखक है गुलबदन बेगम। जो गलत है वो होगा इसमें सी। तुगलक नामा का लेखक अमीर खुसरो था, जबकि इब्ने बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला पुस्तक में लिखा था। बाकी सभी सही हैं। सूची एक का यहाँ पर सूची दो से मिलान करना है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं, आप यहाँ मिलान स्वयं करिएगा। हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वाद मीर की है हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिन से संबंधित है आलमगीर नामा और भीमसेन से नुक्सा ए दिलकुसा। ख्वाद मीर ने कानून ए हुमायूनी नामक पुस्तक लिखी थी जिसे हुमायूं नामा के नाम से भी जाना जाता है। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं, भीमसेन कायस्थ की है तारीख ए दुलकुसा, चंद्रभान ब्रह्मन की है चहार चमन, ईश्वरदास नागर की पुस्तक है फुतुहात ए आलमगीरी और सुजान राय भंडारी की है खुलासत उत्तवारीख। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे तो यह राजा सावंत सिंह। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह का वैष्णव उपनाम नागरी दास, ये राधा के सेवक थे। इनका समय था 17वीं-18वीं सदी। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। एक तरफ यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, एक तरफ इनके लेखक हैं, इनका मिलान करना है। इसमें सही ऑप्शन होगा सी। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं, रास पंचाध्यायी के लेखक है नंददास, चैतन्य भागवत के हैं वृंदावन दास, चैतन्य मंगल के हैं जय नंदा, भक्ति रत्नाकर के लेखक है नरहरि चक्रवर्ती। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किया तो ये है केशव। ऑप्शन ए सही होगा। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। इनका समय था 1555 से 1617 ईस्वी के मध्य। निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित है तो यहाँ पर जो सही है ये है गंगाबाई की है पुस्तक गणेश देव लीला। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। इन प्रश्न में डी सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपसे गलत पूछा है तो जो गलत है वो होगा डी। बाकी सभी यहाँ पे सही है। दयाबाई की है विनय मलिका, सहजोबाई की है सहस प्रकाश, सोन कुमारी की है स्वर्ण वेली की कविता। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं ये है गंगाबाई, कृष्ण भक्ति परंपरा की कवित्री थी। गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त हुआ है, ना कि गणेश देव लीला से। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन डी होगा। अब देखते हैं मुगल काल के अंतर्गत विविध से संबंधित प्रश्न। पहला यहाँ पे सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसे हम नीचे देख लेते हैं, भारत आने वाले यात्रियों और उनके यात्रा काल का सही सुमेलन इस प्रकार है। हॉकिंस आए थे 1605 से 1611 ईस्वी के मध्य, सॉरी हॉकिंस आए थे 1608 से 1611 ईस्वी के मध्य, टॉमस रो आए थे भारत 1615 से 1619 ईस्वी के मध्य, मनुची आए थे 1653 से 1708 ईस्वी के मध्य और राल्फ फिच भारत आए थे 1583 से 1586 के मध्य। राल्फ फिच 1583 ईस्वी में भारत पहुंचे, तथापि प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर 1585-86 ईस्वी इसी यात्रा काल का भाग है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे व्यवस्थित करना है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले आते हैं राल्फ फिच, इसके बाद विलियम हॉकिंस, इसके बाद निकोलस डाउनटन, इसके बाद सर थॉमस रो। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। इंग्लिश यात्री राल्फ फिच अकबर के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था जो अगस्त 1608 ईस्वी में सूरत था, अप्रैल 1609 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। निकोलस डाउनटन 1614 से 1615 ईस्वी में भारत आया था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रमानुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है, इसमें सही ऑप्शन सी होगा।
सबसे पहले हैं इसमें जहांगीर, इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, इसके बाद आते हैं अहमद शाह अब्दाली, इसके बाद आते हैं बहादुर शाह तूती। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा, जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अफगान दल का नेता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासनकाल 1837 से 57 ईस्वी तक था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ पे बताना है आपको इन चार कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था, बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। तो यहाँ पर एक और चार सही इस प्रकार से आंसर इसमें हमारा सी सही होगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध का संबंध शाह शुजा, दारा और औरंगजेब से है। यद्यपि उस समय शाहजहां मुगल शासक था, तथापि शाहजहां के उत्तराधिकारी शासक बनने हेतु यह युद्ध उसके उपर्युक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति प्रेमी था। इस प्रकार दिए गए कथन में एक और चार सत्य हैं। यहाँ पे आपको बताना है इसमें से दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे आपको मिलान करना है कौन सा युद्ध कब हुआ था। इसमें सही ऑप्शन सी होगा। ये युद्ध हम नीचे देख लेते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। अकबर की मृत्यु हुई 1605 में, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने लड़ा था राणा प्रताप के विरुद्ध। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था शेरशाह के विरुद्ध। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय हुआ, और खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सही वो होगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो यहाँ पे मिलान करना है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। सी का होगा यहाँ पर चार, तो सी का चार दिया गया है इसमें। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही होगा। ए का होगा दो। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और यहाँ पर अस्थिरगढ़ का युद्ध बचा है तो ये हुआ था 1601 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगानों एवं मराठों के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया। मराठों की इस युद्ध में हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया, और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। यहाँ पर आपको इन सभी युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सही ऑप्शन सी बी होगा। सबसे पहले होता है इसमें चंदेरी का युद्ध, इसके बाद चौसा का युद्ध, इसके बाद कन्नौज का युद्ध, फिर तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे मिलान करना है कौन सा युद्ध पहले हुआ था कौन बाद में, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए। यहाँ पर जो युद्ध हुआ था सबसे पहले ये हुआ था खानवा का युद्ध, इसके बाद चौसा का युद्ध, इसके बाद कन्नौज का युद्ध, और फिर तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाबर खानवा का युद्ध लड़े थे, हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा था, अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, जहांगीर ने बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था, बल्ख का युद्ध 1646-47 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था। बाकी सभी सही हैं। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। ऑप्शन यहां पर ए सही होगा। नवरोज का त्योहार ईरान फारस से लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय त्योहार था, यह 19 दिनों तक मनाया जाता था। मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था की जाती थी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे
नवरोज ए जलाली की संज्ञा दी है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी, वह स्थित था लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस परंपराओं तथा तफसील टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक्र न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। निम्नलिखित यहाँ पे काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि यहाँ पर कौन सी जो वीरांगना है ये पहले आई और कौन सी बाद में आई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले आती है इसमें पद्मिनी, इसके बाद दुर्गावती, इसके बाद ताराबाई, इसके बाद अहिल्याबाई। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने पर रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। एक तरफ यहाँ पे सूची एक में सम्राट दिए गए हैं, सूची दो में मकबरे हैं, इनका मिलान करना है। इसमें सही ऑप्शन सी होगा। ये मकबरा हम नीचे देख लेते हैं। बाबर का मकबरा स्थित है काबुल में, अकबर का है सिकंदरा में, जहांगीर का है लाहौर में और शाहजहां का है आगरा में। इनका टाइम पीरियड आप स्वयं देखिएगा। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पे आपसे सही पूछा है। इसमें जो सही है वो होगा दिल्ली, दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में। औरंगजेब का मकबरा फुलदाबाद औरंगाबाद में तथा औरंगाबाद में स्थित है। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। इस प्रकार सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। नीचे दिए गए स्मारकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और यहाँ पे सही उत्तर बताइए। इसमें सही ऑप्शन भी होगा। तो सबसे पहले बनाया गया इसमें अटाला मस्जिद जौनपुर का, इसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम का, इसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली का, इसके बाद राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 ईस्वी के आसपास कराया गया था। शेरशाह सूरी ने स्वयं अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था और इनका समय था 1540 से 1545 ईस्वी के मध्य। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की सौतेली माँ खासी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ। औरंगजेब ने अपनी बेगम राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में 1651 से 61 ईस्वी के मध्य मकबरे का निर्माण कराया था। इस प्रकार यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। निम्नलिखित में सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसके बारे में भी हम नीचे देख लेते हैं। बाबर जामा मस्जिद संभल हुमायूं से संबंधित है दीनपना। अकबर के समय में बनाया गया जहांगीरी महल और जहांगीर से संबंधित है इत्मादुद्दौला का मकबरा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसमें सूची एक में निर्माता दिए गए हैं, सूची दो में स्मारक है, इसमें मिलान करना है। इसमें सही ऑप्शन होगा बाबर ने बनवाया था जामा मस्जिद संभल का, हुमायूं ने बनवाया था दीनपना, अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसमें संभल की जामा मस्जिद बाबर द्वारा, दिल्ली स्थित दीनपनाह का हुमायूं द्वारा तथा आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था, जबकि जहांगीर ने सिकंदरा आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। एक तरफ यहाँ पे स्मारक दिए गए हैं, एक तरफ निर्माता है, इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर अलाई दरवाजा दिल्ली, इसे बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा को शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद दिल्ली को औरंगजेब ने बनवाया था। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अलाई दरवाजा दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा को शाहजहां ने बनवाया तथा मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये स्थित है दतिया में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा
पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेल काल के उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मुगल काल में मौलिम था, तो इसके बारे में हम नीचे देखते हैं, इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था। इस तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति होने का पता चलता था। दिए गए विकल्पों में विकल्प टी उत्तर के कुछ निकट है किंतु सटीक उत्तर नहीं। मौलिम जहाज का कर्मचारी है ना कि एक जहाज। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दाम ताम्र की मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी होते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। और जरीब यहाँ पे गलत दिया है। शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। मुगल काल में 1 रुपया चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। वे जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार जो सही विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये होगा इसमें डी। अब देखते हैं सिख संप्रदाय से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था। तो ये है ननकाना। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। उक्त स्थान पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। यह पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी। जिसके शासन में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी वो कौन था। तो यह है सिकंदर लोधी। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोधी के समय की थी। सिकंदर लोधी का समय है 1489 ईस्वी से लेके 1517 ईस्वी के मध्य और गुरु नानक का समय है 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो यह है लहना। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था। तो यह गुरु अंगद। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा किया गया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो ये किया था गुरु रामदास ने। ऑप्शन डी सही है। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमिदान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बेबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। तो ये हैं गुरु, तो यहाँ पे होंगे आंसर दो होगा, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। दूसरा और चौथा सही है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया। गुरु अर्जुन देव इनका समय था 1581 से 1606 ईस्वी के मध्य। ये सिखों के पांचवें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारण नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर। इनका समय है 1664 से 1675 ईस्वी। ये सिखों के नवे गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब की बहुचर्चित कट मुल्ला वादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को
सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ये हैं गुरु अर्जुन देव। खालसा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे खालसा के संस्थापक गुरु थे तो ये थे गुरु गोविंद। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा तथा प्रत्येक को केस कंघा कृपाण कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए गए। किसकी समाधि के कारण नादेन गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। सिखों के दसवें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नादेड़ वर्तमान महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई। वहां पर उनके समाधि स्थल पर नादेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव। ऑप्शन बी सही होगा। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। मराठा राज्य एवं संघ से संबंधित प्रश्न है। पहला है इसमें मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना भौगोलिक सुरक्षा राजनैतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। तो यहाँ पर ई होगा। उपर्युक्त सभी सही हैं। मराठों के उत्कर्ष के लिए प्रश्नगत सभी कारण सही है। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे जिन्होंने जाति भाषा धर्म साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो ये हुआ था, जन्म हुआ था 1627 में और छत्रपति की उपाधि धारण किया 1674 ईस्वी में। आंसर डी होगा। शिवाजी का जन्म 1627 या 1630 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। 53 या 50 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ये है अफजल खान। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये था सलहार। ऑप्शन सी सही होगा। शिवाजी ने 1672 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी जी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी रायगढ़। ऑप्शन ए सही होगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक कराया था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। अगला प्रश्न है शिवाजी छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर चार घटनाएं दी गई हैं। सबसे पहले चाकल के किले पर विजय प्राप्त किया था, इसके बाद मुगलों से मतभेद प्रारंभ हुआ, इसके बाद अफजल खां का प्रकरण हुआ और इसके बाद सूरत पर आक्रमण तथा लूटना हुआ। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम है चाकल किले पर विजय 1648 ईस्वी में, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ 1657 ईस्वी में, अफजल खां का प्रकरण हुआ 1659 ईस्वी में और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना 1664 ईस्वी में हुआ। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। ऑप्शन डी सही होगा। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा अमात्य मंत्री सचिव सुमंत
सेनापति पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इस प्रकार इनके पास अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं था, बल्कि इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। ये निम्न प्रकार थे। पेशवा ये राजा के प्रधानमंत्री थे। अमात या फिर अथवा मजमू आदार ये वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। वाकिया नवीस या मंत्री ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। नेक्स्ट है सचिव अथवा सुरुन वीज ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे। सुमंत या दबित विदेश मंत्री थे। सेनापति या सर ए नौबत ये सेना की भर्ती संगठन रसद आदि का प्रबंधन करते थे। पंडित राव विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे और न्यायाधीश ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो ये आठ विद्वान है, आठ मंत्री है जो कि मराठा साम्राज्य में थे। नेक्स्ट है शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से। कथन कारण है जिसमें कथन है राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे क्योंकि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो इसमें थी रुपया, टका, लारी, रुका नहीं थी। आंसर यहाँ पर डी होगा, रुका तांबे की मुद्रा थी जबकि रुपया, लारी एवं टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम है तो यहाँ पर कालक्रम व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले होता आते हैं संभाजी, इसके बाद राजा राम, इसके बाद शिवाजी द्वितीय, इसके बाद छत्रपति साहू जी। आंसर यहाँ पर बी सही होगा। संभाजी ये छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका समय है 1680 से लेके 1689 ईस्वी के मध्य। इसके बाद राजा राम ये शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। इनका समय था 1689 से 1700 ईस्वी के मध्य। इसके बाद आते हैं शिवाजी द्वितीय, इनका समय है 1700 से लेके 1708 ईस्वी के मध्य। ये राजा राम के पुत्र थे। छत्रपति साहू जी, इनका समय है 1708 से लेके 1749 ईस्वी के मध्य। ये संभाजी के पुत्र थे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। आंसर यहाँ पर डी सही होगा। राजा राम, इनका समय था 1689 से 1700 ईस्वी। इनके समय तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजा राम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वो कौन थी? तो ये थी ताराबाई। नेक्स्ट यहाँ पे इन सभी जो राजा हैं इनके शासन काल का क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद बाजीराव, इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, इसके बाद माधवराव। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी के बीच है। 1720 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने तथा 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे। माधवराव प्रथम का शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी है। निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। इसमें सही ऑप्शन होगा बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद बाजीराव प्रथम, इसके बाद माधवराव प्रथम, इसके बाद नारायण राव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। इनका यहाँ पे समय देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ का समय 1713 से 1720 ईस्वी, बाजीराव प्रथम का 1720 से 1740 ईस्वी, माधवराव का 1761 से 1772 और नारायण राव का 1772 से 1773 ईस्वी था। कथन कारण है जिसमें कथन है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक संघ 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया क्योंकि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे।
यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु होने पर साहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था, इससे पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 ईस्वी में हुई संगोला की संधि के तहत यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया तथा मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। कथन और कारण दोनों सत्य तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। किसके समय में मराठा राजा नाजीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, तो यह बालाजी बाजीराव। कथन कारण दिया गया है जिसमें कथन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे, क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिसके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे जिन्होंने जाति भाषा धर्म साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए मराठा शासकों ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की, परंतु मराठों में एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था, इसी कारण उनकी आलोचना भी की जाती है। यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, चौथ, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था, इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था, तो यह है अफगान, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली अफगानों के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, तो यह नजीब खान, ऑप्शन बी सही होगा। जनवरी 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूट मार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित प्रश्न। पहला है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी, बहादुर शाह प्रथम ने, ऑप्शन ए सही होगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, तो ये हैं फर्रुखसियर, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई थी। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे, तो यह हुसैन अली और अब्दुल्ला, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता राजा बनाने वाले के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया, 1719 ईस्वी में इसे सिंहासन से हटा दिया। इसके बाद तीन कठपुतली सम्राटों रफी उद दरजात रफी उद दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था, तो ये थे मोहम्मद शाह, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। इसका समय है 1719 से लेके 1748 ईस्वी के मध्य। इसके काल में ही नादिर शाह ने
1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार अशर्फियां और 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताऊत मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया था। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये थे मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल है 1719 से 1748 ईस्वी। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो यह है मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। प्रश्नगत विकल्पों में संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं जहादार शाह। इसके यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले आते हैं जहादार शाह, इसके बाद मोहम्मद शाह, इसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय और इसके बाद सॉरी यहाँ पर सबसे पहले आते हैं जहादार शाह, इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, इसके बाद आते हैं अहमद शाह और लास्ट में आते हैं आलमगीर द्वितीय। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। विकल्प में दिए गए मुसलमानों सॉरी मुगल शासकों का क्रम है जहादार शाह। इनका समय है 1712 से 1713 ईस्वी, मोहम्मद शाह का 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह का 1748 से 1754 तथा आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759 ईस्वी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। वह अंग्रेजों का पेंशन भोगी तथा दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था और शाही किताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था। 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, इब्राहिम जोक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, वह 1,00,000 रुपए से कम प्रतिमा ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो यहाँ पर डी गलत होगा। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमा 1,00,000 रुपए पेंशन, 15,00,000 रुपए उसकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1,000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। अतः विकल्प डी का कथन सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो यह है सआदत खां। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था। तुरानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा और ईरानियों ने अवध राज्य की स्थापना की। 1722 ईस्वी में सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया जहाँ उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदर संघ के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया और स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। 1739 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सफदर जंग ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो ये है चिन किलिच खां। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिन किलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 ईस्वी में सूकर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिस खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो ये है जयसंग द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस यानी वाराणसी और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जिस मोहम्मद शाही नामक
सारणियों का सेट तैयार किया। उसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक में दिए गए टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।